लोकप्रिय नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 4 वॉल्यूम 1 के प्रीमियर से पहले गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में शो के लॉन्च का जश्न मनाया गया। सीरीज में जब से 11 यानी मिली बॉबी ब्राउन ने 1983 में हॉकिंस और अपसाइड डाउन के बीच एक पोर्टल खोला, तब से सबसे अप्रत्याशित स्थानों में इसी तरह की दरारें खुल रही हैं। निर्माता चाहते थे कि भारत में दर्शक अपसाइड डाउन की दुनिया का अनुभव करें, इसलिए स्ट्रेंजर थिंग की वापसी का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से दरारें दिखाई दीं। 14 देशों की सूची में मुंबई का द गेटवे ऑफ इंडिया भी 15 प्रतिष्ठित स्थलों की एक विशेष सूची के साथ इस अनूठी पहल में शामिल हुआ, जैसे न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, मिलान में डुमोओ स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच, कोलंबिया में मॉलेकॉन बैरिंक्विला और क्रोको में वॉवेल कैसल। स्ट्रेंजर थिंग्स 4 के इंडियन फैंस या यूं कहें मुंबई फैंस के लिए शहर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल द गेटवे ऑफ इंडिया पर एक तरह की प्रोजेक्शन मैपिंग के साथ एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। मुंबई में रात के आसमान पर कब्जा करते हुए विरासत स्मारक को श्रृंखला के लोकप्रिय तत्वों के जीवन से बड़े प्रदर्शन के साथ रोशन किया गया। फैंस ने इस आयोजन का आनंद लिया और आयोजन के दौरान फैंस उत्साहित और सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।